8051 काउंटर प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल। जो हमारा काउंटर होता है, जैसे कि हम जानते हैं 8051 में टू टाइमर्स होते हैं, T0 और T1। ये जो 4 बिट्स है टाइमर 0 को डिनोट करेंगी और ये टाइमर 1 को डिनोट करेंगी। इसमें ये वाली जो बिट होती है थर्ड बिट, इसकी थर्ड बिट और इसकी थर्ड बिट, ये वाली, ये शो करती है हमारी काउंटर को, सी को, सी टी को। इस बिट का काम क्या होता है? इसके दो काम होते हैं। एक काम तो ये होता है कि ये डिले जनरेट करती है, टाइम डिले जनरेशन के लिए यूज होती है, और इसको एज ए काउंटर भी यूज किया जा सकता है। अब तक के हमने जो टॉपिक किए हैं उसमें हमने इसका यूज एज ए टाइम डिले जनरेटर के फॉर्म में यूज किया है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इसको हम काउंटर के फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं। जब सी टी, यानी कि ये जो बिट होती है काउंटर प्रोग्रामिंग में, इस बिट, ये जब बिट जीरो होती है तब तो हमारा क्रिस्टल पल्सेस यूज होती है, यानी कि तब इसका यूज एज ए टाइम डिले जनरेटर के फॉर्म में किया जाता है। लेकिन जब ये बिट वन होती है तब इसका यूज एज ए काउंटर किया जाता है। जैसे कि एक व्हील पर सेकंड में कितने टाइम रोटेट कर रहा है, ये उसको काउंट कर सकती है। एक सेकंड में कितने पर्संस इन आउट हो रहे हैं, उसको काउंट कर सकती है एज ए काउंटर, काउंटिंग करना, सिंपल। लेकिन काउंटिंग किस फॉर्म में होगी? पल्सिस की फॉर्म में, पल्सिस की फॉर्म में ये काउंट करेगी। इस तरह से इस टॉपिक में हम देखेंगे इसे काउंटर की फॉर्म में कैसे यूज किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं टाइमर जीरो और टाइमर वन। टाइमर जीरो जो कि पोर्ट थ्री की, यानी कि 14th पिन होती है 8051 की, जो पोर्ट 3.4 शो करती है, और टाइमर वन जो कि 8051 की 15th पिन पे होता है टाइमर वन, जो कि शो करता है P3.5, पोर्ट 3 की 0.5 पिन को। अब जब हमारे काउंटर सी टी जीरो, ये देखिए टाइमर जीरो के लिए सी टी जीरो एक्सटर्नल इनपुट शो किया गया है, और टाइमर वन के लिए सी टी वन एक्सटर्नल इनपुट शो किया गया है। एक्सटर्नल बाहर से इनपुट देना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब हम इसमें इसको हम एज अ टाइम डिले जनरेटर यूज नहीं कर रहे, इसलिए हमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल ओसिलेटर XTAL पिन की जरूरत नहीं है, जो कि टाइम डिले जनरेटर के लिए होगी। और इस टाइम पे जो ये जो पिन है, ये जो बिट है हमारी CT कंट्रोल टाइमर की, ये क्या करेगी, ये इस टाइम पे वन होगी। जब एक्सटर्नल इनपुट देते हैं तो ये वन होती है, और लेकिन जब डिले जनरेटर की फॉर्म में यूज होती है तो ये जीरो होती है। अब तक हमने जीरो किया था, अब वन की फॉर्म में, जब ये वन होगी तब क्या होगा, इस टाइम पे ये वन होती है। यहाँ पे ये शो कर रहा है हमारा टाइमर जीरो, मोड वन जो कि 16 बिट मोड होता है, मोड वन को लेके चल रहे हैं, जो कि 16 बिट मोड को शो करेगा। ये लोअर बाइट शो करेगी टाइमर की, टाइमर जीरो की, ये हायर बाइट टाइमर जीरो की। ये टाइमर फ्लैग है, यानी कि हम टाइमर जीरो, यानी टाइमर जीरो, TR0। और ये एक्सटर्नल इनपुट 3.4 टाइमर जीरो, 3.4 यानी कि जो हमारा पोर्ट है उसकी पोर्ट 3 की 0.4 पिन, जहां से हम एक्सटर्नल इनपुट देंगे टाइमर जीरो को। ये तो टाइमर जीरो के लिए है। और ये है हमारा टाइमर फ्लैग। टाइमर फ्लैग जब तक हाई नहीं होगा, जब तक सेट नहीं होगा, तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, यानी कि जब तक ये जीरो तक नहीं आए, यानी कि सेट होके वन ना हो जाए, और जब ये अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुंच के अगेन रोल ओवर करके जीरो पे आ जाएगा, तो टाइमर फ्लैग सेट हो जाता है वन पे, और ये स्टॉप हो जाते हैं प्रोग्रामिंग, और ओवरफ्लो करता है जब, और जब तक जीरो रहेगा तब तक क्या रहेगा, हमारा पल्सेस जाती रहेंगी। सेम कंडीशन टाइमर वन के लिए। यहाँ पे टाइमर वन जहां से एक्सटर्नल इनपुट दे गए हैं, यहाँ पे पिन 3.4 है, यहाँ पिन 3.5 है, टाइमर वन है, सी टी स्टिल जीरो रहेगा, और यहाँ पे ये टाइमर जीरो के लिए बाइट्स की, हाँ ये टाइमर वन की बाइट्स है।
टाइम और फ्लैग का फंक्शन दोनों के लिए सेम ही रहेगा मोड वन में। अब ये तो है हमारा जो हमने इसके बारे में डिस्कशन कर ली कि ये क्या है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं क्योंकि एग्जांपल से हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। हम टाइमर वन को जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दें, हमने काउंटर डिज़ाइन करना। देखिए जो हमारा एग्जांपल है इसमें ही दिया हुआ है कि काउंटर है जो काउंटिंग करेगा, यानी कि काउंटिंग करेगा यानी सी टी पी बिट क्या होगी, वो वन होगी, जीरो नहीं होगी। अगर टाइम डिले जनरेटर दिया होता तो वो जीरो होती। काउंटर है जो कि काउंटिंग करेगा इनपुट पल्सेस की, इनपुट सिग्नल की, और पल्स काउंटेड फीड बाय P3.4। मीन्स टू से कि P3 जो पल्स काउंटेड हो रही है वो P3 पॉइंट टाइमर जीरो से हो रही है। टाइमर जीरो एज ए काउंटर यूज किया गया है। और जो दूसरा टाइमर है, देखिए XTAL फ्रीक्वेंसी 22 MHz, अगर फ्रीक्वेंसी जा रही है तो टाइम डिले जनरेटर, यानी टाइमर वन को टाइम डिले जनरेटर की तरह यूज किया गया है, और यानी T1 पिन को एज अ टाइम डिले जनरेटर की तरह यूज किया गया है, और T0 को एज ए काउंटर की तरह यूज किया गया है। यानी कि T0 में CT पिन 1 होगी और T1 में CT पिन 0 होगी। एक टाइमर को जनरेटर की तरह, टाइम डिले जनरेटर की तरह यूज कर रहे हैं, एक टाइमर को एज ए काउंटर यूज कर रहे हैं। अब सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आएगी, अब इसी का हम देख रहे हैं। इंस्ट्रक्शन आएगी मूव टी मोड, यानी टाइमर मोड को पहले मूव करवाओ, जिसका कोड है #15H। 15 कैसे आया है, देखिए टाइमर 0 और टाइमर 1, अब ये देखते हैं कैसे आया है। इस टाइम पे टाइमर 0 एज ए काउंटर यूज हो रहा है, टाइमर 1 एज ए डिले जनरेटर यूज हो रहा है। तो टाइमर 1 के लिए तो सी टी पिन है वो 0 रहेगी, मोड 1 है तो इसलिए यहाँ पे आएगा 1 0, यानी जो 4 पिन होती हैं गेट सी टी M0 M1 और M0, गेट 0 जो सी टी पिन है वो 0, M1 0, M0 1, यानी मोड 1 है तो ये रहेगा 1। नेक्स्ट है 5, ये क्या है टाइमर 0 के लिए। टाइमर 0 में गेट 0 है, सी टी पिन क्या होगी 1 होगी, M1 0 रहेगा, M0 1 होगा, यानी कि टोटल 5, इनको डेसिमल में, यानी 15 को पहले हमने टी मोड करवाना है कि इस मोड में हम वर्क कर रहे हैं। उसके बाद आएगी स्टार्ट बिट, यानी कि SETB शो करता है स्टार्ट बिट P3.4, यानी कि टाइमर 0 को स्टार्ट किया जाए। देखिए एक चीज इसमें और नोट करने की है कि जो टाइमर 1 होता है, इसमें जो टाइमर 1 है उसको एज अ डिले जनरेटर की तरह यूज किया गया है, जिसका बेस ऑफ टाइमिंग है वो सिर्फ 1 सेकंड की रहेगी। इसकी बेस ऑफ टाइमिंग सिर्फ 1 सेकंड की होगी, और इस 1 सेकंड में जो टाइमर 0 है वो अपनी पल्सिस को काउंट करेगा सिर्फ 1 सेकंड में, सिर्फ यानी टाइमर 0 सिर्फ 1 सेकंड के लिए रन करेगा अपनी इनपुट पल्स के साथ पिन 3.4 से, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, कि उस 1 सेकंड में कितने जो भी हम ले रहे हैं, क्या किस चीज को काउंटिंग करना है, किस चीज को काउंट करना है, नंबर 20 1 सेकंड में कितना टाइम रोटेट हो रहा है, या किसी भी चीज को, जिस भी चीज को हमने काउंट करना है वो चीज, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के एंड होने के बाद जो टाइमर 0 होगा, टाइमर 0 की लोअर बाइट और हायर बाइट, ये दोनों नंबर ऑफ पल्स को प्रोवाइड करेंगे कि उसने 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ पल्स उसने काउंट की है। तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए ये काउंटिंग होगी। यह स्टार्ट बिट यानी कि टाइमर 0 को P3.4 यानी इस पिन से पल्स ही जाएंगे, यानी काउंट करना स्टार्ट करो 1 सेकंड के लिए। मूव 00 #00 यानी कि लोअर बाइट में, टाइमर 0 की लोअर बाइट में 00 को मूव करवा दो, मीन्स टू से 00 मतलब क्लियर कर दो, क्लियर TL0, यहाँ पे 00 है इसको कर दो क्लियर। नेक्स्ट हायर बाइट को भी फिर क्लियर करना पड़ेगा,
इसको भी क्लियर करो, 00 को TH टाइमर 0 की हायर बाइट में प्लेस करो, इसको भी क्लियर करो। अब होगा SETB स्टार्ट बिट टाइमर 0। अब इनको क्लियर करने के बाद हमारा 1 सेकेंड यानी कि जो माई ड्यूरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट बिट, बिट स्टार्ट हो टाइमर 0 की, काउंटिंग करना स्टार्ट करें। जब वो काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा 1 सेकेंड पे, तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आएगी मूव R0 हैश टू इट, यानी मान लो उसने 28 काउंटिंग की है पल्सेस को, तो वो R0 रजिस्टर में जितने भी वो काउंटिंग करेगी वो R0 रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाए। अब इस टाइम पे टाइमर 0 का काम खत्म हो गया, 1 सेकेंड का काम खत्म हो गया, अब होगा टाइमर 1। सेम, सबसे पहले टाइमर 1 की लोअर बाइट में 00 उसको क्लियर किया जाएगा और फिर हायर बाइट को क्लियर किया जाएगा और फिर होगा टाइमर 1 की स्टार्टिंग। पहले इनको क्लियर किया जाता है फिर इनको स्टार्टिंग की जाती है। SETB स्टार्ट बिट टाइमर 1, टाइमर 1 की जो बिट है वो स्टार्ट की जाए। अब इंस्ट्रक्शन आती है JNB। JNB मीन्स टू से जंप इफ बिट नोट सेट, यानी कि ये वाली टाइमर फ्लैग, अगर टाइमर फ्लैग 1 नहीं है, अगर ये 0, क्योंकि ये 0 रहेगा जब वर्किंग कंडीशन में होगा, अगर ये 1 हो जाता है तो वो आगे की इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, लेकिन अगर वो 0 है तो वो क्या होगा, बैक जाएगा। यानी कि अगर बिट सेट नहीं है तो टाइमर फ्लैग की 1 सर नहीं है तो वो क्या होगा, बैक जाए अपनी इंस्ट्रक्शन पे, जब ये 1 होगी तब वो आगे जाएगा। अब इसके बाद क्या होगी, जैसे ही वो 1 होगी क्लियर, यानी टाइमर फ्लैग जो 1 है उसको क्लियर कर दो। अब टाइमर फ्लैग को क्लियर कर दिया और जो हमारा टाइमर 1 है उसको भी क्लियर कर दो, टाइमर 1 भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है DJNR, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नोट 0, यानी कि अगर ये जाए डिक्रीमेंट करे, यहाँ पे मूव R0 की वैल्यू 28 है, ये तब तक प्रोसेस चले जब तक ये 0 नहीं हो जाता, यानी कि यहाँ पे डिक्रीमेंट होगी, डिक्रीमेंट और जंप इफ नोट 0, अगर R0 0 नहीं है तो वो अगेन अपने पिछले फंक्शन पे जाए और रिपीट करे फंक्शन को एक बार डिक्रीमेंट करके, फिर जाएगा फिर डिक्रीमेंट करेगा फिर रिपीट करेगा फिर जाएगा फिर डिक्रीमेंट करेगा, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ही R0 0 नहीं हो जाता, इसकी वैल्यू इसके अंदर वैल्यू वो 0 नहीं हो जाती। जब वो 0 हो जाएगी तब हो जाएगा मूव, यानी कि जो टाइमर 0 की लोअर बाइट है उसमें जो भी डाटा है उसे एक्यूमुलेटर में डाल दे, एक्यूमुलेटर में डाल के उसे पोर्ट 2 में मूव करवा दे। सेम हायर बाइट के लिए पोर्ट 2 में मूव करने के बाद जो हायर बाइट है उसे एक्यूमुलेटर में डालें और एक्यूमुलेटर से मूव करवा दे पोर्ट 1 में। इस तरह से हमारा ये जो टाइमर काउंटिंग करता है, हमारा जो टाइमर क्लॉक है काउंटर की तरह जब इसे एज अ वर्क करवाया जाता है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन आएगी कि शॉर्ट जंप, यानी कि शॉर्ट जंप करे, रिपीट करे प्रोसेस को, यानी कि फिर से अगर हमें ये प्रोसेस फिर से करवाना है फिर से रिपीट करे। और उसके बाद लास्ट इंस्ट्रक्शन होगी एंड, ENDED, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो एक काउंटर है वो वर्क करता है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही जो टाइमर 1 है वो टाइमर बेस होता है जो कि 1 सेकंड के लिए टाइमिंग कर देता है 1 सेकंड के लिए, और इस 1 सेकंड में टाइमर 0 काउंट करना स्टार्ट होता है यानी रन करना स्टार्ट होता है। ये है हमारा जो हमारा काउंटर प्रोग्रामिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।